नहीं सच में सर, अगर मैंने उनको खो दिया होता, अगर मैं आपको नहीं देखता ना वीडियो देखता, तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर। एक गुड न्यूज भी है, जैसे मैंने थोड़ा ठीक हुआ था ना, मतलब सुबह अगले दिन ही मैं जिस होटल में काम करता था पहले, जो मेरी फर्स्ट लॉकडाउन में छुट्टी थी, तो वहां से भी कॉल आ गई सर। मैं इतना खुश हुआ, उस पुराने ओनर 3-4 साल काम किया, उनके पास भी मैसेज गया था बकायदा, हरियाणा से जाट है भैया है, कह रहा तू मेरे पास आज, मैं देखूंगा यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे काम कर, तनख्वाह ले आराम से बैठ। वहाँ मैनेजर था, अच्छा फ्रंट ऑफिस अच्छा मैनेजर, कह रहा तू मेरे अच्छा पास आ गया। उनके पास भी मैसेज गया था कि कह रहा ले लिया, क्यों हो गया, मैं तो भी दे दे। मैं बीवी बच्चों से भी उस दिन दूर था अगर मैं आपकी वीडियो नहीं देखता तो, क्योंकि हमारे साथ में ही थोड़ा आगे जाके पटेल नगर रेलवे स्टेशन है, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, अपनी स्कूटी पे बैठा हुआ था, बच्चों की फोटोज देखने लगा, अभी भी मैसेज आ अच्छा रहे हैं। मैं कुछ भी कर सकता था। और देखिए कुछ इमोशनल भी हो रहा है भाई, कि मेरे वाइफ है, बच्चे हैं। तो यार ये वीडियो एक बार देख लेना, किस तरह से अपने आप को खत्म करने जा रहा था ये भाई। रेलवे क्रॉसिंग सामने थी और समझ लो कि बस मरने जा रहा था, पता नहीं दिमाग में क्या आया उसने, यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा, कैसे भी मतलब हमारा वीडियो एकदम सामने उसके आ गया। यूट्यूब खोला, सबसे पहला वीडियो हमारे सामने आ गया, क्योंकि लोन ऐप के वीडियो वो सर्च कर रहे थे, बहुत वीडियो देखे, कोई सही राय मिली नहीं, हमारा वीडियो अचानक आ गया, देखा, तो समझ लो कि उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी चेंज है। हमारी वीडियो की वजह से आज वो जिंदा है, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ है, वरना आज वो जिंदा नहीं होता। और परिवार में क्या खुशी का माहौल है, और वो किस तरह से बाहर निकल गए हैं सिर्फ हमारे वीडियो को देखने के बाद। हमारे वीडियो की वजह से आज एक और जान बची है, आपको एक पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। और देखो किस तरह से कितना परेशान किया लोन अपने, और मतलब उसकी नौकरी चली गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे वीडियो की मदद से क्या हुआ, उसको बहुत पुराने जो उसके मालिक है, जो बॉस है, उन्होंने कॉल किया कि भैया तू नौकरी पे आ जा, मैं देख लूंगा, ये भी उनके साथ फायदा हुआ। तो आप ये पूरी वीडियो देख लो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। दोस्तों यहां पे जैसा कि आपको पता है कि फेक लोन ऐप को हम एक्सपोज करते हैं और उनकी हम धज्जियां उड़ाते हैं। अगर कोई भी परेशान होता है तो हम अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने का मतलब ये होता है कि आपको पता चले कि लोग कितना परेशान है और जो परेशान है वो कैसे बाहर निकले हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई आपको हिम्मत नहीं तोड़नी, इनसे डटकर सामना करना है। और आपको पता भी है, मैंने इसके प्रूफ भी दिए हैं कि बहुत से लोगों की मैंने जो है जान बचाई है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे जो है वीडियो के माध्यम से, हमसे बात करके किसी न किसी माध्यम से इन्होंने जो है जान बचाई है। बहुत से लोगों को हमने रोका है कि आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, ना जाने कितने घर टूटने से बचे हैं। दोस्तों इसी तरह का आज मैं आपको एक इंटरव्यू जो है दिखाने वाला हूँ। हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मतलब काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, वो लोन ऐप में फंस चुके थे, फेक लोन ऐप के जंजाल में ऐसे फंसे कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई सब आपको पता चलेगा, ठीक है ना, और कैसे वो बाहर निकले हैं सब कुछ पता चलेगा। तो ये आपको सब मालूम होगा कैसे कैसे क्या हुआ, सारा माजरा आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल बजाते रहो पुंगी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूं, वहां पे आके अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लाइव पे जरूर आएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो भाई बैठे हैं, जो सब्सक्राइबर हमारे सब्सक्राइबर भी है, इनका नाम राजेंद्र है, जो कि दिल्ली में रहकर एक जॉब करते हैं किसी रेस्टोरेंट में। आखिर उनके साथ क्या हुआ, यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो इनके ऑनर हैं इनको बोल दिया है कि आपको नौकरी से हम निकाल देंगे। मतलब कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो गए हैं। तो आखिर हुआ क्या सब कुछ जानेंगे, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो राजेंद्र जी आप सबसे पहले अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं कैसे आप इन फेक लोन ऐप के जाल में फंस गए और कैसे निकले, पूरा विस्तार से हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएं। पहले सर नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं एक रेस्टोरेंट में एज ए कैशियर जॉब करता हूँ, जो कि रविंद्र नगर में ही है। पहले तो मैं विनय सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने बहुत जागरूक किया मुझे, मैंने इनकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, मैं भी
इनकी दिखाई वीडियो से ही थोड़ा क्लियर बोलूं तो बचा हूं, वरना आज मैं शायद होता नहीं। मैं सर ये ऐप्स जो लोन ऐप्स होती है इनमें इनके चक्कर भी बोल सकते हैं, इनके जो ऑफर्स इनमें जो देते हैं इन चक्करों में फंस के मैं इनके अंदर फंस गया था, एक करके दो करके तीन करके ऐसे ऐसे करके। और फिर इनका जो रिकवरी का तरीका है, जो भी मतलब लोन तो एक दिन बाद या डेढ़ दिन बाद आता है अकाउंट में, जो भी आता है काट के आधे से भी आधा होके आता है जो भी। और उसके बाद जो टाइम से पहले इनका एजेंट स्टार्ट कर देता कॉल करना रिकवरी वाले कि आप पेमेंट करिए, हमारा ऑफिस 2-3 दिन बंद रहेगा, या फिर औरों के मैसेज आएंगे कि हमारा टेक्निकल इशू, हमारा सॉफ्टवेयर बंद रहेगा, तो आप पहले पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल अच्छा हो जाएगा, आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा, आपका 2 गुना अमाउंट हो जाएगा और डेज बढ़ जाएंगे एंड ऑल और सब कुछ ये चीज़ें। तो उसी चीज़ को मैं धीरे धीरे इस चीज में मतलब दलदल ही बोल लो सर, ये तो बहुत गंदा दलदल है ऐसा कि इंसान एक चला तो जाएगा बट वापिस तो उसकी लाश ही बाहर निकलनी। बट सर विनय सर, मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा था जब मैंने ना बिल्कुल बिल्कुल मैं टूट चुका था अंदर से सर, और टूटने का मतलब कि मुझे अपनी जॉब से भी मुझे बोल दिया गया था कि आपकी तरफ से ऐसा ऐसा है और आप कोई और काम देख लीजिए, आप हमारे यहाँ नहीं कर सकते। तो उन्होंने चलो तो अच्छी है, मैं पुराना था तो उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया नई जॉब ढूंढने के लिए। बट सर वहाँ से तो मेरा तो क्लियर है, और रही चलो जॉब तो और भी, लेकिन मैं बीवी बच्चों से भी उस दिन दूर था अगर मैं आपकी वीडियो नहीं देखता तो, क्योंकि हमारे साथ में ही थोड़ा आगे जाके पटेल नगर रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था अपनी स्कूटी पे बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था मतलब मेरे सामने हेलोजन लाइट भी जली हुई थी बट फिर भी मेरे आंखों के आगे अंधेरा था। फिर मैंने फोन निकाला, बच्चों की फोटोज देखने लगा यूट्यूब पे, फिर मैंने तो कुछ देखता हूँ, मैंने फिर मैंने टाइप करने लगा कि फेक लोन ऐप के बारे में ऐसे ऐसे, तो उसमें फिर सबसे ऊपर आप ही का आया विनय। मैंने उस टाइम आपको मैंने चलो लग गया टाइम था 11 बजे के आसपास, मैंने आपको कॉल भी ट्राई करा था, आपने डिस्प्ले पे नंबर दे रखा था, बट उस आपकी वीडियो देखी ना मैं घर पे, आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा हो क्या है कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो आना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब अपने वीडियोस में मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, चिंदी चोर है, इनका कुछ नहीं है, ये बस कुछ बस फोन पे ही है जो भी है, इनका खुद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्यों किसी का दूसरे का रिकॉर्ड खराब करेंगे, तो ऐसे कर करके मेरे को मतलब फिर भी इन्होंने उल्टा सीधा बोलना, फिर जैसे आपने मेरे को राय दी अच्छी अच्छी, मैंने वो चीज़ फॉलो की अपने ग्रुप में अपने फैमिलीज मेंबर्स को, मैंने बता दिया कि मेरा फोन हैक हो गया है एंड ऑल एंड थिंग्स, मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक पे भी डाल दिया, फिर भी उन्होंने पता चिंदी चोर अपनी हरकत से तो बाहर जाने नहीं आए, उन्होंने मेरी फोटो एडिट कर करके कि इस रेपिस्ट इसने 6 साल की लड़की फलानी को रेप किया है एंड ऑल एंड। आप ये बताइए कौन कौन सी ऐप थी, उनके नाम आपको पता है, कुछ 2-4 ऐप के नाम बताएंगे आप? हाँ सर मैं 2-4 के बता देता हूँ आपको जो मेरे को भी याद है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दी डर के हमारे, मैंने फोन पूरा हटा दिया था। पियोने कैश है सर, PEONY पियोने कैश है, कैश पॉकेट है, सनशाइन है, और सन्नी करके एक लोन आता है सर जी, बाकी है और मैं माइंड में नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग से हट गया है, बाकी अभी भी मैसेज आते हैं गंदे गंदे, आप बिलीव नहीं करके लड़की की किसी लड़की को न्यूट करके उसके बैक साइड पे मुझे फोटो को पेस्ट करके मुझे बिठा रखा है मेरी। सर लोन एप्स के नाम है सनशाइन है, कैश पॉकेट है, पियोनी कैश है, और सन्नी लोन है, कुछ और भी है, अभी पूरा मेरे पास डिलीट कर दिया था उसी टाइम मैंने, क्योंकि डर के मारे मैंने क्या पता, मुझे क्या पता डिलीट से कोई फायदा नहीं, उनके पास डाटा जा चुका है मेरा, अभी भी मैसेज आ रहे हैं सर, अभी भी मैसेज आ रहे हैं जी, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, तेरी बीवी से बात हो गई, फोटोज दिखा रहे हैं, कह रहा देख ले एडिटिंग ठीक हुई है, नहीं तो दोबारा करनी मेहनत है मेरे को। अरे करने दो, उससे पता है ना कोई नहीं है यार, कोई कुछ कहता है तो कर तो देगा नहीं, कहना जो करना कहना, मेरे फोटो और मेरी बाइक फोटो जहाँ वायरल करने कर दे, हम नहीं डरने वाले, वो सोचेंगे ये डर गया तो और जाएंगे कुछ नहीं। नहीं नहीं सर वो तो मैं तो उनको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सुबह 6-7 बजे शुरू हो जाती है इनकी कॉल, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, अपने काम में ध्यान दे रखा था मैंने, तो जब से मैंने सच बताऊँ ना मेरा परसों जिस दिन परसों मैंने ये परसों नरसों मैंने देखा, मैंने
मैंने फोन, क्योंकि मैं एक बिजी जगह पे काम करता हूँ, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे फोन वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती, कस्टमर पे ज्यादा इफेक्ट गलत पड़ता है, तो मैं फोन पे ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उनके मैसेज लगातार आ जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बंदा इग्नोर कर रहा है, तो उन्होंने मेरी लिस्ट बनाई और कॉल शुरू कर दी। इसमें से फिर मेरे ओल्ड, जहाँ से मुझे अभी दिल इतना दुख रहा है सर, जहाँ से मुझे अभी सर जॉब छुट्टी थी मेरी, आज 30 तारीख हो गई अभी तक नहीं मिली है, उन तक पे उन्होंने मैसेज कर दी है, उल्टे सीधे कॉल्स, उल्टी सीधी गालियाँ, वहां पे मेरे पैसे फंस गए हैं पूरे 2-3 महीने की मेरी। अब बताओ मैं कैसे उनको लोन दूंगा, जब मेरे पास कहीं से पैसा आएगा तभी तो मैं लोन दूंगा, जब ऐसे काम मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं लोन कैसे चुका। मतलब जहां से आप जॉब करके पैसे दोगे, ये लोग जॉब को ही नहीं रहने दे रहे हैं, है ना? तो वही तो दिक्कत चीज, तो यही है। तो मैं जब मैं उस लोन को चुकाने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर उस लोन को लेके दुखी होऊंगा, तो वही चीज है। बस अब जहां से मुझे पैसे आने, आज 28 तारीख हो गई है सर, अभी तक सैलरी नहीं आई है वहां पे, पिछले जो मैं जहां से मुझे हटाया गया था आज तक अभी तक नहीं आई है। अभी इन्होंने वहां पे भी मैसेज, वो भी मेरे पहले पुराने कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ऑनर थे मेरे, उनके भी है, मेरे स्टाफ के है, हमारे शेफ है, सबको उन्होंने कॉल मैसेज, उनकी मेरे पास आई, क्या कर रखा है तुमने, ये मेरे पास कॉल आ रही है, ट्रेड कॉल आ रही है, अब उन्होंने मुझे मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जहाँ से मेरी सैलरी पुरानी आनी थी वो भी मेरी अटक गई है, खत्म अटक गया सर, खत्म ही हो गई है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पैसे मांगने लायक नहीं रहा मैं, किस नजरिए से, किस उससे मैं वहां जाऊंगा। फिर दूसरा भी जहाँ पे है, चलो यहाँ तो देखते काम किया, मेहनत की है, अब वही तो चीज, अब मैं आप जब कहीं, अभी बताएं कि आपके घर वाले, जो मम्मी पापा ऐसे, जो इन लोगों को आपने कैसे संभाला जब ये बात पता लगी घर पे कि सर मेरे आपने? मम्मी पापा भगवान की दुआ से, शायद इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो मुझे ऐसे माँ बाप, ऐसी बीवी, इतने अच्छे बच्चे मिले, मुझे भाई मिला, बड़ा भाभी मिली, इन सबका कॉल आई है, बट इन्होंने सब नहीं, किसी ने कुछ नहीं, उन्होंने मुझे समझाया, कह रहा कुछ नहीं होता, फालतू बोले हैं, घर पे आएंगे हम देख लेंगे, कोई टेंशन मत लो किसी चीज की भी बेटा, 1 रुपए की भी टेंशन मत ले, हम बैठे हैं, चलो ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से तो गलती होती ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, होगी थी होगी थी, अकल आगे आगे के लिए, ठीक है ना, और आगे भी तेरे को कोई बोलता है इन चीजों के लिए, उनको भी समझा सिखा बता, पढ़ा लिखा तू है, अच्छी जगह बैठता, अच्छी जगह जाता है, और सब तुझे तेरे बारे में जानते हैं, तो इतनी बाहर की भी टेंशन मत ले, सबको तेरे बारे में पता, तू रिस्पेक्टफुल फैमिली से और बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा उससे, तो उस चीज से तू मत डर और अपना माइंड को फ्री रख, खा, मेरा सर बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 दिन 4 दिन रोटी नहीं खाई है, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि इसमें यार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है इंसान की जब ये मतलब चीजें। मैं कभी सिराने पे फोन रख के नहीं सोना चाहिए, मैं सिराने पे फोन रख के सोता था, जैसे इनका बज जाता था, अरे यार सुबह मतलब पूरी रात सोचता था, सुबह कैसे पैसा जुगाड़ करूंगा, किससे मांगू, क्यों कैसे सर, इस टाइम में तो सबके हालत का वो ऑप्शन दिया करते, अपने किसी फ्रेंड से उधार मांग लो, आपको ऐप बता रहे वहां से ले लो, मतलब ऑप्शन भी देते थे, आपके कितने पैसे नहीं हो सकते क्या, उधार मांग लो, या फिर एक ऑप्शन और दे देते थे, मान लीजिए किसी का 5-6 हजार का लोन, आप रोल ओवर कर लो, आगे आपका हम कटवा देंगे वाले पैसे, और आगे कट के आके हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करता था, हो जाता था, फिर और ऑप्शन देते थे कि आपको 15%, मेरे मैसेजेस है, 15% कैशबैक हो जाएगा, आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, और आपको और डेज के लिए मिल जाएगा, जब मैं कर दिया करता, हाँ अभी ठीक है, मैं सोचता था किससे लेके इसके पास अमाउंट बढ़ के आ जाएगा, मुझे दिन में मिल जाएंगे और ज्यादा, और मैं बाकियों का फिनिश कर दूंगा, तो मैं कर दिया करता, फिर उसके बाद चैट ही बंद हो जाती थी, पेमेंट होने के बाद, स्क्रीनशॉट जाने के बाद, फिर वो चीज ही बंद हो जाती थी, तो ये मतलब पूरा दलदल में फंसाने का, मतलब के कहते हैं ना, बिल्कुल वो तरीका है, इसलिए मैंने आपका जब वीडियो देखा, मैंने आपकी राय मानी, मैंने बिल्कुल वही चीज अपनी सब कुछ करा, अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे सब डाल दिया मैंने, कि मैं वो ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, और कृपया करके मेरे जो भी है रिलेटिव है इन चीजों को इग्नोर करे, ब्लॉक मारे, इनका कोई किसी प्रकार के लिंक को ना दबाए, क्योंकि इनका ये तरीका भी कि ये लिंक दबा देंगे तो इनके भी डिटेल आ जाएंगी, ऐसा कुछ होता है होगा इनके पास, जब भी इतने बड़े हैकर है तो ये चीज भी कर सकते हैं, तो वो चीज है सारी। बाकी सर अभी ये बताइए कि अभी आप इस चीजों से बाहर निकल चुके हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं निकले हैं लेकिन मेरे हिसाब से आप काफी हद तक का निकल चुके हैं। सर मैं काफी मतलब मैं देखो सर, ये तो जिंदगी है, ये तो चीज, ये कुत्ते तो भोगते रहने रहने हैं, आज नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल कल, दो परसों, इसके लिए तो हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर, 5-4-6 हजार, 10 हजार 15 हजार के लिए अपनी जिंदगी को खराब नहीं कर सकते, मैं ना अपनी रेपुटेशन जो हमने बना रखी है, और सबको पता है कि हमारा क्या है, अब मेरे परिवार को मेरा पता है कि चलो ठीक है लेना देना सबका, अब टाइम खराब है, सब ले भी रहे, दे भी रहे, और कम दे रहे, ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, मेन ये है कि मैं मन से शांत हो गया हूँ, अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ,
अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। आपकी समझी, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, इन्होंने क्या कहा, मन से शांत है। मतलब जब ये मेंटली मैसेज करते हैं किसी भी तरह का न्यूड फोटो वाला या गाली गलौज लोन चोर जी जी रेपिस्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल मैसेज बिल्कुल करते हैं, तो दिमाग खराब होता है, यार क्या करूं, ये बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लेकिन इन्होंने अपने मन को समझा लिया, शांत कर रखा, इन्हें जो करना है करने दो, कहने से और करने में अंतर होता है। मैंने अगर चीजें की हैं तो सामने वाले को खुद यकीन हो जाएगा मैंने किया है कि नहीं किया है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं, नहीं अपने माने। काम। मुझे मुझे अपने परिवार से मतलब है, किसी रिश्तेदार जो चलो ठीक है उनके पास पहुंचा देने से क्या है, उनको पता है मेरे बारे में, मेरे मामा चाचा को कॉल करें, उनकी कॉल आई मैंने बता दिया, कह रहा बेटा तू टेंशन मत ले, दिमाग, मामा ने मेरे साफ ही बोला टेंशन बिल्कुल भी नहीं बेटा, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रख, मैं अपने आप बात कर लूंगा किसी के भी जी आंदे जा। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बहुत समझाया, मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने, बेटा पढ़ी लिखी है मेरी वाइफ अच्छी है, उन्होंने समझाया कह रही आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जिसको लेना वो घर आ जाएगा दे देंगे खत्म, और घर तो आंदो पहले एक बार किसी को, जब वो तो इतनी बेइज्जती करे तो फिर किस चीज के पैसे। एक तरीका होता लोन चलो ठीक है लिया दिया जो भी लेने देने का तरीका होता है, ये नहीं कि तुम उसको बिल्कुल जान से मार लोगे तो किससे पैसे लोगे, तुम उसकी नौकरी खा जाओगे तो किससे पैसे लोगे, तुम परिवार वाले क्या पैसे देंगे, मामा चाचा पैसे देंगे, वो क्यों देंगे, क्योंकि ठीक है, आज की लाइफ सर इतनी, आज की लाइफ इतनी बिजी है, किसी के पास जाने के पहली बात तो टाइम नहीं है, मामा चाचा ताऊ कभी शादी ब्याह मिल लिए तो मिल लिया, वरना तो आज के टाइम में टाइम नहीं है, किसी को तो टाइम नहीं वो होता भाई, कुछ नहीं होता है, सब ये तो होता बस है अपने तो। सुबह नौकरी पे जाए और शाम को अपने घर आ जाए, रोटी खाए और सो जाए, सुबह उठ के जी फिर सर, नौकरी पे जाए। तो राजेंद्र जी यहीं पे बस वीडियो को ये मैं खत्म सर करता आपका मैं हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से भगवान आपको बहुत तरक्की दे सर, मैंने कसम से, नहीं तो आज मेरी फोटो पे सच में सर हार चढ़ा होता, आज मेरी 13वीं के लड्डू बन रहे होते जो हमारे आने में होते हैं, अरे ऐसा नहीं हो ऐसे रहा था लगन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब जो है कि यार हमारी जो मुहिम, मतलब मुहिम है जो फेक लोन ऐप्स के पीछे हम पड़े हुए हैं, आपके सामने साक्षात ये सबूत है, प्रूफ है कि भाई हमारे वीडियोस की वजह से इनकी जिंदगी बची है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस कंडीशन में फंसे होते हैं तो दिमाग काम नहीं करता होता है। एक आदमी अगर आपके पास कोई संभालने वाला हो ना, एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई हम तो दूर बैठे हैं, हमारे वीडियोस इस तरह के होते हैं, हम इस तरह से चीजों को समझाते हैं कि उसके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। अगर वो गांव का भी होगा ना, तो भी हम इस तरह से उसको समझाते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि उसके दिमाग में बैठ जाए। अगर मैं उसको उस भाषा में समझाऊं जो एक लीगल लैंग्वेज में समझाऊंगा ना, तो भाई किसी को समझ में नहीं आएगा। ये जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में मैं लोगों को समझाता हूँ, वही मैंने किया। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो भाई बैठे हैं वो आपके सामने जिंदा है। मतलब शायद इन्होंने क्या कहा था कि मैं रेलवे क्रॉसिंग बताया था, मेरे घर के पास में ही है, मैं कुछ भी कर सकता था। और देखिए कुछ इमोशनल भी हो रहा है भाई, कि मेरे वाइफ है, बच्चे हैं। तो यार ये चीजें जो पल होते हैं ना, ये वही समझ सकता है जिसकी शादी हो, जिसकी फैमिली में कोई बंदा है और जिसकी जो चिंता करते हैं। तो ये चीजें मेरे पास, यानी कितने ऐसे केसेस आते हैं, और आज एक ये नया केस आपने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये भाई ने अपने आप को संभाला। जितने भी लोन ऐप्स है इनकी बैंड बजाओ, इनका एक भी पैसा मत दो, इनको रोको और एक पैसा नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए, बेइज्जती हो जाए कोई टेंशन नहीं है, हो जाए बेइज्जती कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको एक पैसा नहीं देना है। गाली करे गलौज करे आप भी दो, अगर नहीं देना तो रेस्पॉन्स देना बंद करो, सिम तोड़ के फेंक दो, फोन तोड़ के फेंक दो, कुछ भी करो, लेकिन इनसे लड़ना सीखो किसी भी तरह से। लेकिन इनके चक्कर में अपनी लाइफ मत खराब करो, अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब मत बिल्कुल करो, ना ही अपने आप को खत्म करो। तो राजेंद्र जी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपने मन में क्या सोचा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, लेकिन नहीं, हमारा वीडियो देखा, अब लाइव पूरी पलट चुकी है, आपके सामने साक्षात बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे नौकरी चली गई कोई टेंशन नहीं है यार, हमारा घर सलामत है, बीवी सलामत है, बच्चे सलामत है, माँ पापा भाई भाभी सब सलामत है, मैं सलामत हूँ, नौकरी फिर मिल जाएगी। हम कह रहे हैं 10,000 की मिलेगी तो तब भी गुजारा कर लेंगे, 2,000 की मिलेगी तब भी गुजारा कर लेंगे, जिंदा तो है, परिवार के साथ तो है, बस यही सुकून चाहिए और वो सुकून हमारे पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं वीडियो को एंड करूंगा और भाई से पूछूंगा, भाई आपको कुछ कहना, 2 शब्द और कह दीजिए ताकि वीडियो को एंड करें। सर, बस कहना यही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं कसम से आप मेरे सामने होते तो मैं आपके पैर पकड़ के आपके धन्यवाद करता अरे सर। नहीं, पैर पकड़ने हैं तो अपने जो घर में माँ पिताजी जो भी, उनको पकड़ो, भगवान जी के पकड़ो, हमारे मत पकड़ो, और अपने बच्चों के ख्याल रखो, बस क्योंकि इतना इतना ख्याल मैंने रखना। जी लेकिन अब मैं कभी ना तो किसी को ये सजेशन, कोई
फंसेगा तो उसको भी आपकी चीज बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा चीजें कि इन चीजों में ना फंसे, फंसे हो तो एक बार आपसे जरूर राय ले, समझे आपसे। सर मैंने एक चीज देखी, मैंने आपसे कितनी जल्दी कांटेक्ट कर लिया, वरना तो मैंने और भी वीडियोस देखी थी, मैं और भी ट्राई कर रहा था। मैंने मतलब एक कहते हैं ना, दिल से किसी को याद करो, ढूंढो, और भगवान कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा देता है कि इंसान को एक रास्ता मिल जाता है अगर वो फंसा है कहीं पे कुछ है। नहीं तो यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस पता नहीं कॉन्टेक्ट में आते भी नहीं आते, देखिए उनके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो मेरे को लेके वीडियोस बना रहे हैं बहुत लोग, इसने ये कर दिया, मैंने फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, नहीं आपको मैंने, एक आप नहीं बिलीव दस नहीं करेंगे सर, दस चैनल को सर्च कर मैं लेना आपको मिल जाएंगे। मैंने कल मैंने अपनी वाइफ को दिखाया अपनी अपने बिल टीवी पे, आपकी यूट्यूब पे चला के वीडियो, उन्होंने सब कुछ काम छोड़े, किचन में काम करते आगे बैठ के आपकी वीडियो के, कह रही भगवान, मैंने बताया, मैंने मैंने पूछा ऐसे ऐसे ये इनकी, मैं वीडियो में मैंने बता दिया था उसको सच, कह रही चलो बहुत भगवान को सही किया बहुत, आपने, आपको बहुत सही किया। बहुत, मैंने यूट्यूब की पूरी स्क्रीन पे, बेटा भी बड़ा हुआ मेरा 6ठी क्लास में, उसने भी देखा डैडी मैं भी ऐसा कुछ लॉयर कराऊ, मैंने बोला ठीक है आपको भी लॉयर बनवाऊंगा मैं। ठीक है, तो राजेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भाई बाहर निकले हमारी वीडियोस को देख के, जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि मैं फ्रॉड हूँ या दोगला हूँ या जो भी है, आप अपना काम करिए, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं अपना काम करूं, अगर मेरी वजह से कोई एक जान बचती है तो मुझे आपकी बहुत खुशी है, और मैंने ऐसी मैंने कितनी जानें बचाई हैं, और आज आपके सामने एक और आपने केस देख लिया कि ऐसे भाई की मैंने जान बचाई है। तो दोस्तों नो टेंशन, ये आपको कुछ नहीं हुआ सकते, आप उनका डट के सामना करें और साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कराएं, ये बहुत जरूरी है। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं इमीडिएटली तो कॉल मी फोर ऐप का यूज करके मुझसे संपर्क करें, उस पर मैं आपका जल्दी रिप्लाई दे पाऊंगा। बाकी टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, उस पर आपको समय मिलते ही मेरी टीम या मैं आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए। और हाँ, अगर आप इन भाई की तरह मेरे साथ लाइव जो है बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। आप देखिए किस तरह से इनकी मुस्कुराहट आ रही है, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है, ये ऐसे ही हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी बस जो है मतलब दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों अब बस हमेशा की तरह बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो फंगी को भी सब्सक्राइब कर दे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूं, आप लाइव पे आके अपने कोई भी क्वेश्चन फेक लोन ऐप से संबंधित पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो जरूर पूछें, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।